खबर गाजीपुर से की। जौनपुर बॉर्डर के समीप आचार्य बलदेव पीजी कॉलेज कोपापत रही जौनपुर अनिल यादव मैनेजमेंट ग्रुप की आवास पर मजलूस और बीजेपी के लोकप्रिय सांसद बीपी सरोज पहुंचकर लोगों से भेंट किया। इस पदयात्रा में उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर ढोल नगाड़े व माला फूल से गर्मजोशी के साथ जोरदार। वहीं अनिल यादव ने बहुत ही उत्साह व मुस्कुराते हुए काशी विश्वनाथ का उपहार देकर सांसद का स्वागत किया, जहां हजारों की संख्या में सम्मानित लोग भी उपस्थित रहे। विकास के मुद्दे को लेकर सांसद बीपी सरोज ने कहा कि अनिल जैसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं और हमारे मंडल अध्यक्ष संजय पांडे जैसे व्यक्तित्व हो तो विकास रुक ही नहीं सकता, और जो भी योजनाएं हैं लोग हमारे तक पहुँचा रहे हैं, मैं संबंधित विभाग तक पहुँचाने का कार्य करता हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारे पूरे क्षेत्र का विकास हो और हमारे मछली शहर लोकसभा का भी विकास हो। देखिए, मैं तो सुबह 11 बजे से किराकत विधानसभा में आया हूँ। जगह जगह हमारे पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने जगह जगह कार्यक्रम लगाया था। कार्यकर्ताओं के बीच समस्या सुनने के लिए जिले सुनने का कार्यक्रम था, उसी कड़ी में ये लास्ट कार्यक्रम है। आज जो मैं कोपा गांव में आया हूँ, ये हमारे प्रबंधक अनिल यादव जी के आवास पर, इन्होंने जो है सभी देख रहे हैं कि आप पूरा हजूम, मैं थोड़ा विदम से सोचा लेकिन उनके दरवाजे में मैंने देखा तो पूरा हजूम वो दिखा, पूरे क्षेत्रीय जनता जो यहाँ के समाजों में सब उपस्थित है और सब ये मिलने जुलने का कार्यक्रम है और मिलने जुलने की कड़ी में हम यहाँ पर गोपा गांव में अनिल जैसे अगर प्रबंधक जैसे आदमी हो और हमारे जो है गोपा गांव से जुड़े हुए या इसी गांव के हमारे अगर मंडल अध्यक्ष संजय पांडे जैसे व्यक्तित्व हो, यहाँ विकास की योजना का कोई रुक ही नहीं सकती और जो भी योजनाएं ये लोग हमारे पास तक पहुंचा रहे हैं, मैं संबंधित विभाग तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ इस क्षेत्र का, कोपा ही नहीं पूरे क्षेत्र का विकास हो, किराकर विधानसभा का विकास हो और हमारे मछली शहर लोकसभा का भी विकास हो। ये हमारे भाई हैं, इन्होंने आज से नहीं बहुत पहले से भाजपा की सदस्यता ले रखी है और अगर ये भाजपा के सदस्य नहीं होते तो मैं आता क्या। आप ने सही कहा, जहाँ जहाँ मेरा जो है संबंध रहेगा मैं वहीं जाऊंगा। विपक्षियों के यहाँ जाकर के हम क्या करेंगे, लेकिन विपक्षियों के वहाँ जाते हैं जहाँ उनके यहाँ कोई ऐसी घटनाएं घटी हो तो विपक्षियों के यहाँ भी जाते हैं। अभी हम एक विपक्षी के यहाँ गया भी था, झंडा भी दूसरा लगाया था और जब गया विपक्षी के यहाँ तो अकेले बैठा, हमारा आदमी रहेगा तो सैकड़ों लोगों को बटोरेगा, तो विपक्षी रहेगा तो चेहरा छिपाएगा, रहेगा कहीं फोटो में आ जाए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।